नमस्कार, मैं कृष्णा तिवारी और आप देख रहे हैं केसरी उजाला न्यूज़, सच का नया नाम। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मध्य नागपुर के अध्यक्ष रिजवान अंसारी के नेतृत्व में मनपा अतिरिक्त आयुक्त श्री राम जोशी को एक ज्ञापन सौंपा और जनता के हित में नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा और सस्ता उपचार सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की। अध्यक्ष रिजवान अंसारी ने बताया कि सूचना का अधिकार अधिनियम से उन्हें पता चला कि शहर में बहुत से ऐसे निजी अस्पताल हैं जो बिना मनपा की अनुमति के नर्सिंग होम अधिनियम में बिना पंजीकरण किए चल रहे हैं और जनता से मनमानी पैसा वसूल रहे हैं। कुछ अस्पताल ऐसे भी हैं जिनकी पंजीकरण की अवधि समाप्त हो चुकी है और बिना नवीनीकरण करे नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए वह निजी अस्पतालों को मनमानी के साथ चला रहे हैं। यह नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। अग्रसेन चौक स्थित किमाया मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और लोकमा चौक स्थित इंटीमा हार्ट एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल बिना पंजीकरण के चल रहे हैं। अगर ऐसे अस्पतालों में नागरिकों के स्वास्थ्य को कुछ भी हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसलिए ऐसे निजी अस्पताल जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में दूसरे अस्पताल भी उल्लंघन ना कर सके। अगर मनपा ऐसे अस्पतालों पर कार्रवाई नहीं करता है तो इसमें मनपा के अधिकारियों की भी साठगांठ का अंदेशा लगता है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मध्य नागपुर ने मांग की है कि ऐसे निजी अस्पतालों पर 7 दिनों के अंदर कार्रवाई की जाए, नहीं तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तीव्र आंदोलन करेगी। मैं रिजवान अंसारी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मध्य नागपुर अध्यक्ष। आज हमने मध्य नागपुर की ओर से मनपा अतिरिक्त आयुक्त माननीय श्री राम जोशी साहब को एक निवेदन दिया। जैसा कि शहर में बहुत सारी समस्याएं फैली हुई है, उसमें एक समस्या स्वास्थ्य की भी है। हमारी बेसिक बुनियादी जो लड़ाई है वो रोटी कपड़ा मकान की है और स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए, ये 5 बुनियादी सुविधाएं जो एक हर नागरिक को मिलना चाहिए उसकी हम लड़ाई है। स्वास्थ्य की लड़ाई ऐसी है कि जब से कोविड काल चालू हुआ है तो ये चारों बुनियादी सुविधाएं पर भी असर पड़ा है। स्वास्थ्य खराब होने से, कोविड काल आने से न लोग रोटी खा पा रहे हैं, न कपड़ा पहन पा रहे हैं, न अच्छे मकान में रह पा रहे हैं। और शिक्षा का क्या कहना है, आप जानते हैं आज बच्चे ना स्कूल कॉलेज जा पा रहे हैं ना शिक्षा हासिल कर पा रहे हैं। तो स्वास्थ्य का सही होना जरूरी है। तो हमने स्वास्थ्य को लेकर एक मुहिम चलाई। उस मुहिम के अंदर हमने ऐसे अस्पतालों के बारे में RTI डाले थे। सूचना के अधिकार से पता चला कि ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जो बिना पंजीकरण के चल रहे हैं। उसमें 2 हॉस्पिटल ऐसे पाए गए कि किमाया मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो कि अग्रसेन स्तर पर स्थित है और दूसरा इंटीमा हार्ट एंड क्रिटिकल केयर जो कि लोकमत स्क्वायर पर हिफाज प्रेस के बाजू में है। इन दोनों हॉस्पिटल का पंजीकरण मनपा में नहीं है, लेकिन ये दोनों हॉस्पिटल बड़े ही खुलेआम चल रहा है। ऐसे हॉस्पिटल पर मनपा ने जल्द से जल्द लगाम लगाना चाहिए। अगर कल को किसी मरीज को कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो ऐसे हॉस्पिटल पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करिए, ये हमने मनपा से निवेदन देते हुए मांग की है। और साथ ही साथ ऐसे भी हॉस्पिटल हैं जिनका पंजीकरण लैप्स हो चुका है, उसके बाद भी वो हॉस्पिटल बिना पंजीकरण को रिन्यू करें वो चल रहे हैं। ऐसे हॉस्पिटल पर भी मनपा को अपना जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए। उसके अलावा एक विषय और था साथ ही साथ कि मनपा जानती है कि कौन से हॉस्पिटल के पास कितनी जगह उपलब्ध है, वहां पर उनके जो नियम है, नियम में हॉस्पिटल बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं, उसके बाद भी वो हॉस्पिटल चल रहे हैं, मनपा उनको अनुमति दे कैसे रही है। किमाया मल्टी स्पेशलिटी की मैं बात करूं तो उसके बिल्कुल लगकर, उसकी दीवार से लगकर अगर पेट्रोल पंप है, अगर कल को पेट्रोल पंप में आग लग जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? वहां पर फायर की गाड़ी चारों तरफ से घूम कैसे पाएंगी? उसका फायर सारे नियमों को ध्यान में रखते हुए मनपा को जल्द से जल्द कार्रवाई करना चाहिए। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केसरी उजाला न्यूज़, सच का नया नाम।